समय अनंत है, पृथ्वी विस्तीर्ण है, एक दिन अवश्य कोई पैदा होगा जो मेरे शब्दों की कद्र करेगा। जिस गांव में बाबा साहब या भगवान बुद्ध के प्रोग्राम ओपी नहीं होते, उस प्रोग्राम उन गांवों को दबा हुआ गांव समझा जाता है, उन्हें गुलाम समझा जाता है, उन्हें यह समझा जाता है कि यहाँ के व्यक्ति अभी जरा झुक के चल रहे हैं, सीना खड़ा करके नहीं चल रहे हैं। आप ये देखते हैं कि पूरे जब तक ये देश का संविधान है, इस देश की पूरी पुलिस, पूरी मिलिट्री, पूरा देश का लॉ एंड ऑर्डर आपसे जुड़ा हुआ है। मैं साथियों फिर भी आपको बताना चाहता हूं कि यूनान में एक जौसी निकल के जा रहा था और वो एक दलदल गड्ढे में गिर गया, तो उसने आवाज दी कि अगर कोई है जो मुझे बचा ले, तो वहां से एक बूढ़ी औरत ने एक रस्ता फेंका और उस जौसी को निकाला। जौसी को निकालने के बाद वो कहने लगा कि हे के अगर आपको जिंदगी में कभी तारों की और सितारों की स्थिति के बारे में जानना हो तो मैं बहुत बड़ा जौसी हूं, तुम मेरे पास आ जाना। तो बुढ़िया ने कहा कि मैं तुम्हारे पास जीवन में कभी नहीं आऊंगी। जिस व्यक्ति को जमीन पर बने हुए गड्ढे ना दिखते हो, वह व्यक्ति आकाश के तारों को क्या देखेगा। मेरे साथियों जमीनी पर जो बने हुए ये विषमता के गड्ढे हैं, जिन्होंने हमारे मेरुदंड को तोड़ दिया है, जिन्होंने खून के प्रवाह को रोक दिया है, जिन्होंने हमें इंसान से गुलाम बनाने की बात की है, आज हम उस बात को पूरा करने के लिए, लोगों को जागृत करने के लिए बाबा साहेब और डॉक्टर अम्बेडकर के की विचारधारा क्या है कि कैसे ऊपर उठा जाएगा, हम उस बात के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं दूसरी एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों में एक बच्चा पैदा होता है, उसके 7 दिन के बाद एक मौलवी आता है और उस बच्चे के कान में कहता है कि अल्लाह अकबर, कि अल्लाह जो गॉड है वो ग्रेट है। तो ऐसे ही हमारे यहाँ जो बच्चा पैदा हो, हमें उसके कान में जय भीम नमो बुद्धाय बोलना चाहिए ताकि वो कट्टर बौद्धिस्ट बन सके। हमारा आपसे वही संबंध है जो शरीर का संबंध खून की धड़कन से होता है। इस देश में जिन लोगों पर सदियों से जुल्म, शितम, अन्याय, अत्याचार और शोषण किए गए हैं, ऐसे लोगों के लिए भगवान बुद्ध का धर्म एक औषधि के रूप में सजाया जा सकता है। जिस प्रकार हिमालय से गिरने वाली नदियों को कोई भी दुनिया की ताकत समुद्र में मिलने से नहीं रोक सकती, उसी प्रकार दुनिया की कोई भी ताकत इस देश के मूल निवासियों को, बहुजनों को बौद्ध धर्म में आने से नहीं रोक सकती है। दुनिया में कोई भी सूरज इतना बड़ा नहीं है जो कोई भी पहाड़ इतना बड़ा नहीं है जो सूरज के प्रकाश को रोक सके। दुनिया में कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो भगवान बुद्ध और बाबा साहब के किसी भी ज्ञान को आम आदमी में रोक सके। जापान के एक मंदिर में मैं बुद्ध का एक वचन लिखा हुआ है, अगर मैं अपनी उंगली से तुम्हें चंद्रमा को दिखाता हूँ तो तुम चांद को देखो, मेरी उंगली को मत देखो, मैं मार्गदाता हूँ, मैं वो दाता नहीं। भगवान बुद्ध का जो धर्म है वो गुलामी को खत्म करता है, गरीबी को खुला खत्म करता है और गंदगी को खत्म करता है। इस संसार के अंदर केवल बुद्ध ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मनुष्य को बेचना बंद कराया, मनुष्य की गुलामी को बंद करा, और कोई भी दुनिया की ताकत ने, किसी भी धर्म ने गुलामी खत्म नहीं करी, इंसान को बेचना बंद नहीं करा। हम धन्यवाद देते हैं लॉर्ड मैकाले को जिन्होंने आईपीसी को बनाया, जिन्होंने आईपीसी की धारा 371 और 374 में बैन लगाया कि कोई बेगार नहीं कराएगा, कोई किसी को गुलाम नहीं बनाएगा, किसी आदमी को नहीं बेचा जाएगा। उसी बात को बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने आर्टिकल 23 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वही बात उन्होंने उसमें लिखा कि एक्सप्लोजन कैसे होगा। जो अनटचेबिलिटी को खत्म करने वाली बात है आर्टिकल 17 के अंदर भारत के संविधान में, दी एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। हालांकि अनटचेबिलिटी को किसी भी कानून या संविधान में डिफाइन नहीं किया गया है। जिस प्रकार पानी के अंदर मछली पानी पीती नजर नहीं आती, उसी प्रकार इस देश के शुल्कास्टों पर जो जुल्म होता है वो भी लोगों को नजर नहीं आता। लेकिन बाबा साहब से एक बार व्यक्ति ने कहा था
कि आपने इतनी मेहनत की है लेकिन आपको फल प्राप्त नहीं हुआ। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, समय अनंत है, पृथ्वी विस्तीर्ण है, एक दिन अवश्य कोई पैदा होगा जो मेरे शब्दों की कद्र करेगा। आज वही कद्र की जा रही है। इसलिए मैं अपने साथियों से बार बार कहता हूँ, क्योंकि मेरा गांव अरोंडा है, मैं पिछले 42 साल से दिन रात मेहनत कर रहा हूँ और 21-21 घंटे काम धर्म और सामाजिक क्रांति को लाने के लिए किया जा रहा है। हमने लोहे को भी हरा दिया है। इसलिए जो भी माई का लाल मर्द का बच्चा हो उसे कहना चाहिए कि कानून के हिसाब से, सामाजिक सहयोग के हिसाब से हर गाँव में कानूनी अधिकार छीन लिए गए हैं। आपकी सरकारी नौकरियों को प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से खत्म किया जा रहा है, आपकी जमीनों को छीन लिया गया है। अगर आप अपनी वोट को गलत लोगों को दोगे तो ना तो आपका सिविल राइट्स, जो सिविल राइट्स प्रोटेक्ट हो सकता है, ना लीगल राइट्स हो सकता है, ना ही आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट प्रोटेक्ट हो सकता है, ना आपका फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट हो सकता है। ये देश का जज भी ये जानता है कि मैं न्याय करने से पहले इस आदमी की जाति को जान लूं। जातिवाद का जहर इतनी बुरी तरह से फैला हुआ है कि मनुष्य को न्याय यहाँ पर नहीं मिल रहा है। मैं एक एग्जाम्पल आपको दूंगा कि गुलामी के बारे में। एक बार जर्मन ने हॉलैंड पर आक्रमण करा था तो हॉलैंड वासियों ने कहा कि हम मर जाएंगे, जिसका नाम नीदरलैंड है, हम मर जाएंगे लेकिन जर्मन के गुलाम नहीं मरेंगे। तो जर्मन ने नीदरलैंड वासी हॉलैंड वासियों ने समुद्र की दीवारों को तोड़ दिया और अपने साथ जर्मन की फौज को डुबा के मार दिया। तो हिटलर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा मीन कैम्प, जिसे कहते हैं माई स्ट्रगल, में लिखा, अरे दुनिया में न तो संगीन इतनी खतरनाक होती है, ना एटमिक बम होता है, जितना मनुष्य का सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है उसका मनोबल होता है। अगर दुनिया का कोई भी मनुष्य जो मरने के लिए एक बार तैयार हो जाए तो दुनिया की कोई भी शक्ति कदापि उसे गुलाम नहीं बना सकती। आप गुलाम बनते हैं क्योंकि दूसरों के बनाए गए सिद्धांतों पर आप जीने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फ्रेडरिक विलियम मार्टिन लूथर का एक बड़ा कीमती बयान है कि इस संसार के अंदर फ्रेडरिक विलियम मार्टिन लूथर का एक बहुत कीमती बयान है कि दुर्जन के बुरे कर्मों से सज्जन की चुप्पी बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। अगर आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपकी गली में, आपके क्षेत्र में कोई अपराध हो रहा है और आप उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते तो आप अत्याचार करने वाले को प्रोत्साहित करते हैं, उसे आगे बढ़ाते हैं। इसलिए सज्जन के बुरे, जो दुर्जन के बुरे काम इतने खतरनाक नहीं है जितनी सज्जन की चुप्पी है। हर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाइए, हर अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाइए और हर व्यक्ति या महिला के साथ कोई अत्याचार हो रहा है तो उसके लिए आपको आवाज उठानी चाहिए। ये देश का कानून बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का कानून है, उस पर विश्वास रखिए। और कानून को हाथ में लेने की ताकत इस देश के सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को नहीं है, इस देश के हाई कोर्ट के वकीलों को नहीं है, किसी पुलिस अधिकारी को नहीं है। आप विश्वास लड़िए लड़िए और हर कीमत पर लड़िए। और एक बार जो बर्नार्ड शॉ ने, एक बार जो इंग्लैंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बोल रहे थे, उन्होंने एक स्पीच दी थी, दी हार्म दैट द गुड पीपल डू, वह नुकसान जो अच्छा आदमी करता है। अच्छा आदमी क्या नुकसान करता है? एक पड़ोस की बहन बेटी के साथ अत्याचार होता है या रात को डकैती पड़ती है, तुम कहते मैं 100 नंबर पे फोन क्यों करूं? तो आप उन अत्याचारियों को, उन डकैतों को बढ़ावा दे रहे हैं जो कानून को तोड़ रहे हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जो बात है मैं आपको बताना चाहता हूं, इस संसार के अंदर दो प्रकार की दुश्मनियां होती हैं। एक नेचुरल एनिमिटी होती है, प्राकृतिक एनिमिटी होती है। दूसरी जो दुश्मनी होती है वो आर्टिफिशियल कृत्रिम दुश्मनी होती है। आपकी मैंने कमीज ले ली, कमीज को मैंने आपको उसको बदले में 200-500 रुपए दे दिए, दुश्मनी खत्म हो गई। एक वो दुश्मनी है जो प्राणों को लेने पे खत्म होती है, जैसे सांप और नेवला की होती है, जैसे बिल्ली और कुत्ते की होती है, जैसे कि बुद्ध संस्कृति के लोग और ब्राह्मणवाद की संस्कृति होती है। मैं द इंडिया, द पार्टीशन ऑफ इंडिया, जो पाकिस्तान की बुक है, उसमें 358 नंबर पेज पे बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है, पार्टीशन ऑफ इंडिया जो पाकिस्तान की बुक लिखी है उसके 358 नंबर पेज पे बाबा साहब ने लिखा है, हर कीमत पर इस देश के नागरिकों को, इस देश को, भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से रोकना चाहिए। अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो तबाही हो जाएगी, किसी व्यक्ति के कोई भी कानूनी अधिकार नहीं मिलेंगे,
चारों तरफ बेरोजगारी फैलेगी और दोबारा आपको गुलाम बना लिया जाएगा। तो आपकी जो जंग है वो रुपया पैसे के लिए नहीं है, स्वाभिमान के लिए है, वो आने वाली पीढ़ी के लिए है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देश के संविधान को बनाया, या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो बौद्ध धर्म को अपनाया है वो बौद्ध धर्म को 50 या 100 साल के लिए नहीं अपनाया, कम से कम 10,000 साल के से अधिक समय के लिए अपनाया है। 10,000 साल से अधिक समय के लिए आप प्रचार करिए, प्रचार की शक्ति फौज की शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली होती है। प्रचार की शक्ति के आधार पर आप लोगों को जागृत कर सकते हो। और मैं आपको एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं कि दूसरों के दिए गए सुख का परिणाम बड़ा भयंकर होता है। बौद्ध ग्रंथों में एक जगह लिखा है, दूसरों के दिए गए सुख का परिणाम बड़ा भयंकर होता है। आज हमारी नजरों में वो आदमी मालदार हमारे समाज का नहीं है, बहुजन समाज का नहीं है, जिसपे 100 बीघे जमीन है या 4 ट्रैक्टर खड़े हैं, एक फूटी कौड़ी भी कीमत नहीं है या करोड़ों रुपए उसके बैंक में पड़े हैं। हमारे हमारे नजरों में उस आदमी की कीमत है जैसे प्रेमपाल बोध जी ने अपनी जान पर खेल कर एक प्रोग्राम कराया है, सारे गाँव के लोगों को महिलाओं को इकट्ठा करा, उस व्यक्ति की कीमत है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो व्यक्ति हिंदू धर्म में रहकर अपनी उन्नति चाहता है, अरे वो वज्रलेप मूर्ख पत्थर की नदी से नदी पत्थर की नाव से समुद्र को पार करना चाहता है, जो कदापि संभव नहीं है। और पेरिया रामा स्वामी जी का एक वचन है, पेरिया रामा स्वामी जी का एक वचन है कि अगर दलित लोग, अगर बहुजन समाज के लोग 1,000 साल तक भी हिंदू धर्म में रहेंगे तो भी देश में से छुआछूत खत्म नहीं होगी, अगर देवी देवताओं को पूजेंगे तो भी सोशल इक्वलिटी जो सामाजिक समानता नहीं आएगी। मेरे भाइयों बाबू काशी जो महानायक काशीराम जी हैं उनका बड़ा एक कीमती वचन है कि विचार का संबंध खून के संबंध से ज्यादा गहरा होता है। एक विचार पुत्र होता है और दूसरा जो है दूसरा रक्त पुत्र होता है। तो हमें विचार पुत्रों की जरूरत है। आप प्रचार करिए, कोई भी एरिया में प्रोग्राम हो चाहे भौरा में हो, मैं उनको देखता हूं, हमारे जो हरिमोहन जी हैं एक बार खड़े हो जाएं, हरिमोहन जी जो भौरा से हैं मैं उनको देखता हूं, वो दिल्ली के हर प्रोग्राम में, नोएडा गाजियाबाद फरीदाबाद कहीं भी बोलने जाता हूं वहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब वगैरह मिलते हैं। एक आदमी पैदल और इतने इतने जगह जाके सम्मिलित होता है। भगवान बुद्ध के पास कोई टोयोटा या कोई गाड़ी BMW नहीं थी, उन्होंने धरती पर इतना प्रचार किया है कि उन्होंने कई धरती के कई चक्कर लगाए जा सकते हैं। तो मेरे साथियों मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जुल्मों का बीज हम बोने नहीं देंगे, जुल्मों का बीज हम बोने नहीं देंगे, अपने भारत को आग हम लगने नहीं देंगे, ए वतन तेरी खुशियों की कसम तेरे दामन पे दाग हम लगने नहीं देंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, जय भीम, नमो। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।